ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग अभिषेक के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। काली भारतीय जनता पार्टी के नवा चुने गए विधायक मन के हो ही बैठका, एमा प्रदेश के नवा मुख्यमंत्री बनाए बर विधायक दल के नेता चुने जाही। प्रधानमंत्री है आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ले विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थी मन संग करिन गोट बात। औ पूर्व कांग्रेस विधायक बृहस्पत सिंगला पार्टी कोती ले जारी करेगीस कारण बताओ नोटिस। उन्हें कांग्रेस सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सड़ंगी है दिस प्राथमिक सदस्यता ले इस्तीफा। अब समाचार विस्तार ले। भारतीय जनता पार्टी के नवा चुने गए विधायक मन के काली मझनिया बैठका होही। एमा विधायक दल के नेता चुने जाही जेन हा प्रदेश के नवा मुख्यमंत्री होही। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में होवैया ए बैठका में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व कोती ले भेजे गए पर्यवेक्षक केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सर्वानंद सोनोवाल और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम उपस्थित रही। एमा पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, चुनाव सह प्रभारी मनसुख मांडविया, संगठन सह प्रभारी नितिन नबीन, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ रमन सिंह घलो मौजूद रही। सुनैया मल्ला बता दन कि प्रदेश में भाजपा विधानसभा चुनई में 90 सीट में ले 54 सीट ला जीत के बहुमत अर्जित करे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिन है कि अभी होए विधानसभा चुनई के परिणाम सिद्ध कर दिए है कि देश ला केंद्र सरकार और ओखर योजना ऊपर विश्वास हवय और जनता मोदी के गारंटी में विश्वास रखते। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ले विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थी मन संग गोट बात करत हुए ओमन कहिन कि ए यात्रा देश के हर मनखे तक पहुंचे के एक विनम्र प्रयास हवय। श्री मोदी कहिन कि अभी के सरकार पाचू सरकार असन माई बाप के सरकार नहीं है, फिर महतारी पिता के सेवक सरकार हवय। प्रधानमंत्री कहिन कि देश के हर गरीब और वंचित व्यक्ति उखर बर पूज्य हवय। श्री मोदी नमो दीदी अभियान के बारे में कहिन कि ओमन देश के बहिनी मन ला नमो दीदी अभियान और स्व सहायता समूह के माध्यम ले लखपति दीदी बनाना चाहते। प्रधानमंत्री कहिन कि विकसित भारत संकल्प यात्रा सरकारी योजना के फायदा ले वंचित लोगन मन तक पहुंचे के एक बढ़िया माध्यम बन गए है। उखर सरकार लाभार्थी मन के पहचान करे है और ए अभियान ले उखर तक पहुंचत घलो है। प्रधानमंत्री कहिन कि ए यात्रा के दौरान 1.25 करोड़ ले ज्यादा लोगन मन मोदी की गारंटी वाले गाड़ी तक पहुंच गए है। ए गाड़ी ले 35 लाख ले ज्यादा आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड बांटे गए है। प्रधानमंत्री युवा मन ले फिट रहे और पोषण पानी और पहलवानी ऊपर खास ध्यान दे के अपील करे है। ए मौका में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कहिन कि पाछू 3-4 हफ्ता में 40,000 ले ज्यादा शिविर में 1.20 करोड़ लोगन मन आए रहिन। ओमन कहिन कि युवा मन ए यात्रा ले डिजिटल तरीका ले घलो जुड़त है और भारत ला विकसित बनाए के संकल्प घलो लेवत है। श्री ठाकुर कहिन है कि ए यात्रा एक जन आंदोलन बन गए है और हर मनखे एखर अम्बेसडर हवय। इही बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प यात्रा के चलत आज कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करेगेस। अपन संदेश में प्रधानमंत्री बताये कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में 15 दिसंबर ले 26 जनवरी तक आने आने किसान रथ ले किसनहा मन के बेहतरी बर भारत सरकार के योजना कार्यक्रम और उपलब्धि के जानकारी पहुंचाई जाही, जेमा रायपुर सांसद सुनील सोनी, धरसीवा विधायक अनुज शर्मा, कुलपति डॉ गिरीश चंदेल, कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भूरे, जिला पंचायत सीओ अविनाश मिश्रा समेत कृषि विभाग और जिला प्रशासन के बड़का अधिकारी और बड़ संख्या में किसनहा मन जुड़े रहिन। ओती बीजापुर और नारायणपुर जिला के कृषि विज्ञान केंद्र में घलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प यात्रा में उखर संवाद और संदेश के सीधा प्रसारण करेगीस। ए मौका में लगभग 200 ले ज्यादा किसनहा मन जुड़े रहिन। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आने आने राज्य के आगू बढ़िया किसनहा मन ले सीधा गोट बात करिन, जेमा सुग्घर खेती बर कोनो कोनो अपन विचार और अनुभव घलो साझा करिन। उन्हें राजनांदगांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के चलत सांसद संतोष पांडे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जागरूकता रथ ला हरा झंडी दिखा के रवाना करिन। ए मौका में प्रधानमंत्री के संवाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ले कृषि विज्ञान केंद्र सुरगी के जनप्रतिनिधि और किसनहा मन शामिल होइन। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
छत्तीसगढ़ के खबर लेहे आपके वास्ता अउ खबर के विश्वसनीयता लेहे हमर वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमर समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमर फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमर यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार। अब आगू बढ़बो बाचे समाचार कोती। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू ह पूर्व विधायक बृहस्पत सिंह ला कारण बताओ नोटिस जारी करे है। नोटिस में लिखा है कि बृहस्पत सिंह के तथ्यहीन आरोप और बयान ले पार्टी के छवि खराब होत है। एकरे से तीन दिन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ला जवाब दे के निर्देश दे गए है। हाल में हुए विधानसभा चुनाई में कांग्रेस के हार पर पूर्व विधायक बृहस्पत सिंह ह पार्टी के अगुआ और बड़का नेता मन ला जिम्मेदार बतात हुए ओमन ले इस्तीफा के मांग करे रहिस। कांग्रेस सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सड़ंगी ह पार्टी के प्राथमिक सदस्यता ले इस्तीफा दे है। ओमन किहिन की पार्टी ले सहयोग नहीं मिले के कारण छत्तीसगढ़ के बहुत जन कलाकार मन कांग्रेस पार्टी और सांस्कृतिक प्रकोष्ठ ले दुरिया होत गिस, जेकर परिणाम विधानसभा चुनाई में पार्टी ला भुगतना पड़ी है। नारायणपुर जिला के छोटे डोंगर थाना क्षेत्र के मुंडा टिकरा में माओवादी मन कोती ले जनपद सदस्य के पति के हत्या करे के मामला पता चले है। मिले जानकारी अनुसार आज बिहनिया कोमल मांझी पूजा करके लौटत रहिन, ओतकेज बेर माओवादी मन घात लगा के हमला कर दिन, जेमा उही जगह उखर मौत हो गए। हत्या के जगह माओवादी मन पर्चा घलो फेंके रहे। मृतक कोमल मांझी हा छोटे डोंगर के जाने माने वैद्यराज हेमचंद मांझी के बेटा रहिन, उखर पत्नी अभी भाजपा ले जनपद सदस्य हवे। लैंगिक भेदभाव दूर करे बर केंद्र सरकार कोती ले शुरू करे गए नई चेतना जेंडर अभियान 2.0 मा राज्य स्तरीय कार्यशाला के आयोजन करेगी। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन कोती ले यूनिसेफ के सहयोग ले नवा रायपुर में हुए एक कार्यशाला में लैंगिक असमानता दूर करे बर आने आने विभाग कोती ले करे गए काम के जानकारी देगी। मिले जानकारी अनुसार लिंग आधारित भेदभाव और घरेलू हिंसा ऊपर गांव गवई में समझ विकसित करे बर भारत सरकार कोती ले राष्ट्रीय अभियान नई चेतना जेंडर अभियान 2.0 शुरू करे गए है। पाछू 25 नवंबर ले शुरू हुए ए अभियान के आने आने काम ला 4 दिसंबर ले 23 दिसंबर तक छत्तीसगढ़ में घलो करे जावत है। ए अभियान के टैग लाइन हवे सहेंगे नहीं कहेंगे चुप्पी तोड़ेंगे। कार्यक्रम में पहुना और प्रतिभागी मन लैंगिक हिंसा के विरुद्ध आवाज उठाए और माई लॉगिन ला सुरक्षित माहौल दे के संगे संग उखर सहयोग करे के शपथ लीन। एक कार्यशाला में लैंगिक हिंसा के मामला में दे जाने वाला निशुल्क कानूनी सलाह के बारे में बिहान के दीदी मल्ला जानकारी देगी। आखिरी में प्रमुख समाचार एक गांव फेर। काली भारतीय जनता पार्टी के नवा चुने गए विधायक मन के बैठका होही। एमा प्रदेश के नवा मुख्यमंत्री बनाए बर विधायक दल के नेता चुने जाही। प्रधानमंत्री ह आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ले विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थी मन संग करेन गोट बात। पूर्व कांग्रेस विधायक बृहस्पत सिंह ला पार्टी कोती ले जारी करेगी इस कारण बताओ नोटिस। उन्हें कांग्रेस सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सड़ंगी हा दिस प्राथमिक सदस्यता ले इस्तीफा। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।